गाइज ये है हमारा Realme 9i 5G स्मार्टफोन और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका फुल 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट, क्योंकि मैंने इस फ़ोन को कर दिया पूरा डेड। यहाँ पे 0% चार्जिंग हो चुकी है इसकी, तो आज के इस वीडियो में हम इसको करेंगे चार्ज, देखेंगे कितना टाइम ले लेता है ये, क्या हीटिंग होती है या नहीं। और इसका यहाँ पे 18 वाट का चार्जर जो हमें बॉक्स में मिलता है वही यूज़ करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे फटाफट से चार्जर को अटैच कर लेते हैं इससे एंड फिर स्टार्ट करते हैं हमारी चार्जिंग टेस्ट को। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अटैच कर लिए केबल्स एंड वायर्स, तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, टाइमर को भी एंड प्लग को भी ऑन कर देते हैं एक साथ। सो यहाँ पे दोनों को ही मैंने ऑन कर दिया, स्विच को भी एंड टाइमर को भी एक साथ में। और यहाँ पे अभी तक लाइट नहीं आई है फ़ोन में, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है फ़ोन बूट अप होने में। तो हाँ अब आ चुकी है लाइट चार्जिंग की भी। सो यहाँ पे अब हम दोस्तों देखते हैं कि कितना टाइम ले लेता है ये। और स्टार्टिंग में जो है ना रियलमी के फ़ोन सब ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाते हैं, पावर ऑन हो जाते हैं, सो शायद ये वाला फ़ोन भी हो सकता है। बट यहाँ पे हम आज चेक कर लेंगे कि ये वाला फ़ोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और 18 वोल्ट की चार्जिंग इसमें कितना जल्दी तेज़ी से फास्ट चार्ज करती है या फिर स्लो ही चलता है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोन को है ना रियलमी 9i 5G ऑटोमेटिकली बूट हो गया है। ये रियलमी के फ़ोन आजकल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं चार्जिंग करते हुए, तो ये कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि ऑटोमेटिकली ऑन कैसे हो रहा है ये, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये रियलमी का ही जो भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, सब कुछ ऑफ है, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं चल रहा है। और अब देख लेते हैं इसको 10 मिनट तक चार्ज करके कितना चार्ज होता है ये 10 मिनट में। फ़िलहाल ये 2% चार्जिंग हुई है इसमें, अराउंड 3 मिनट्स के आसपास होने वाले हैं हमें इसको चार्जिंग ऑन करे हुए। और अभी इसको देख लेते हैं एक बार 10 मिनट चार्ज करके कितनी चार्जिंग हमें देखने को मिलती है 10 मिनट के बाद में। सो यहाँ पे दोस्तों 10 मिनट हमारी पूरी हो चुकी है चार्जिंग करते हुए और चार्जिंग की बैटरी परसेंटेज देखें, सो यहाँ पे 7% चार्जिंग हुई है। आप देख सकते हैं 7% चार्जिंग इसने करी है 10 मिनट में। तो यार ये तो काफ़ी स्लो है, क्योंकि 1% का भी अभी तक हमें एवरेज नहीं मिली है। तो देखते हैं अभी आगे एक बार, हीटिंग वगैरह तो कुछ हुई नहीं है, खैर अभी अभी तो स्टार्टिंग हुई है तो हीटिंग वगैरह का कोई चांस ही नहीं है कहीं पे भी। सो यहाँ पे चार्जर भी नॉर्मल स्टेज में एकदम, सो एक बार देख लेते इसको आधे घंटे तक चार्ज करते हैं, आधे घंटे के बाद देखते हैं कितनी चार्जिंग हमारी हो जाती है। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए एंड अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट कर बताना आपको कैसी लग रही है इसकी चार्जिंग स्पीड। सो गाइज यहाँ पे जो है हमारी 30 मिनट्स पूरी हो चुकी है चार्जिंग करते हुए, 30 मिनट्स पूरी हो चुकी है एंड 30 मिनट्स के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग हमारी 23% हुई है। तो चार्जिंग तो यार काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है, काफ़ी कम है अभी, अभी भी 1% की एवरेज नहीं आई है। मुझे लगा था आ जानी चाहिए बट नहीं, ऐसा नहीं है। 18 वोल्ट का चार्जर है, काफ़ी स्लो चार्ज कर रहा है और वार्मनेस थोड़ी थोड़ी बैक में हो चुकी है स्टार्ट इस हिस्से में। और चार्जर की बात करें तो चार्जर भी बिल्कुल हल्का सा वार्म हुआ है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अभी एक बार देखते हैं इसको एक घंटे तक फुल चार्ज करते हैं, एक घंटे की चार्जिंग के बाद हम देखते हैं कितनी बैटरी और इंक्रीज़ करता है, तो वो देख लेते हैं एक बार एक घंटे में ये फ़ोन कितना चार्ज हो जाता है हमारा। सो गाइस यहाँ पे फाइनली हमारा 1 आवर भी कंप्लीट हो चुका है एंड 1 आवर के बाद की चार्जिंग देखें हम बैटरी कितनी हुई है इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों बैटरी जो है 46% हुई है 1 आवर के बाद। तो यहाँ पे मतलब वही स्पीड से चल रही है, कोई यहाँ पे थोड़ा भी अप डाउन मेरे को देने नहीं मिल रहा है, काफ़ी कम होती जा रही है परसेंटेज भी। 1 आवर यानी 60 मिनट्स में इसने 46% चार्जिंग की है। वार्मनेस थोड़ी सी बढ़ी है पहले से और बाकी वैसे सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है फ़ोन में, लेकिन देखने वाली बात यह है कि फुल चार्ज होने में कितना टाइम ले लेता है ये फ़ोन। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला है। बाकी एक बार देखते रहिए वीडियो को दोस्तों आप एंड देख लेते हैं 1.5 घंटे बाद कितनी चार्जिंग होती है इस वाले फ़ोन में एंड 1 आवर 30 मिनट्स के बाद हम मिलते हैं एक बार इसको चार्ज करके। तो यार यहाँ पे हमारा जो है 1 आवर 30 मिनट्स भी कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पे 1.5 घंटे की चार्जिंग के बाद हमारी जो बैटरी परसेंटेज है 68% है। तो 90 मिनट्स में इसने 68% चार्जिंग की है इस वाले फ़ोन में। अब ये पता नहीं इतना ज़्यादा स्लो चल रही है चार्जिंग और इस वाले हिस्से में थोड़ी ज़्यादा वार्मनेस हो चुकी है अब स्क्रीन साइड में भी, और चार्जर थोड़ा सा नॉर्मल स्टेज में है, मतलब नॉर्मल वार्मनेस है उसमें, लेकिन इस वाले में थोड़ी सी ज़्यादा वार्मनेस हुई है। बाकी यार काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, लग नहीं रहा है 18 वोल्ट का थोड़ा सा भी असर इसमें, लेकिन देख लेते हैं एक बार 2 घंटे तक चार्ज करते हैं आप। तो 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद देखते हैं चार्जिंग और कितनी बढ़ा देता है ये वाला फ़ोन।
सो गाइस यहाँ पे हमारे जो है 2 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं चार्जिंग को करते हुए इस वाले फ़ोन में। एंड अब जो बात है चार्जिंग की, बात करें कितनी हुई है, तो 86% चार्जिंग अभी हुई है हमारे इस फ़ोन में। तो यार अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स में इसने 86% चार्जिंग की है। वार्मनेस थोड़ी कम होने लग गई है अब, मतलब थोड़ी सी कूल डाउन होने लग गई है, बट चार्जिंग स्पीड वैसी ही चल रही है, स्लो चल रही है काफ़ी। तो यार ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लग रही है, काफ़ी स्लो चल रहा है चार्जिंग, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है फ़ोन चार्ज होने में। बाकी देख लेते हैं अब और कितना टाइम लेता है ये फुल चार्ज होने में। गाइस यहाँ पे जो है 2 आवर्स 36 मिनट्स हो चुके हैं हमारे कंप्लीट चार्जिंग करते हुए। एंड अब जो चार्जिंग है वो है 99%, यानी कि लास्ट की 1% हमारी बची है चार्जिंग कंप्लीट होने में, और इसने 2.5 घंटे से ऊपर ले लिया है फिलहाल इसको 99 तक लाने में। तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। अब देखते हैं लास्ट की 1% कितनी देर में करता है, ये वो भी चेक कर लेते हैं पूरा कंप्लीट करके। लेकिन यहाँ पे कोई असर नहीं लग रहा है मुझे इसमें फास्ट चार्जिंग का। कूलिंग हो चुका है, कूल डिवाइस है एकदम, वार्मनेस सारी जा चुकी है, बट लास्ट की 1% देख लेते हैं कितनी देर और लगाता है ये। सो गाइज यहाँ पे जो है 100% हमारी फाइनली फाइनली हो चुकी है इस वाले फ़ोन में। एंड यहाँ पे 2 आवर 38 मिनट्स 27 सेकेंड्स 100% चार्जिंग करने में इसने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है यार। आप बताइए आपको आपका क्या ख्याल है इसकी चार्जिंग स्पीड के बारे में। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लो चल लग रही है, काफ़ी स्लो। 18 वोल्ट का मुझे पता नहीं क्या कहूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट हाँ चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। डिवाइस बीच में थोड़ा सा ज़्यादा वार्म हुआ था, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा नहीं था कि आप पकड़ ना पाओ, नॉर्मल था। और चार्जर तो हीट हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये सब चीज़ें सही है। बट यार ये 18 वोल्ट का ही चार्जर है, आप चेक कर सकते हो ऊपर रेटिंग भी, लेकिन इसकी जो चार्जिंग स्पीड है काफ़ी स्लो है। आप बताइए अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आपका फ़ोन कितनी देर में चार्ज हो रहा है ये वाला। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसकी कुछ नई वीडियो में जल्दी ही। आप इसके रिव्यू का वेट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए। कमेंट कर बताना आपको कैसी लगी वीडियो, कैसा लगे फोन। मिलते हैं जल्दी ही।